खातों का। जनपद बलिया के सूर्यमंतपुर उत्तर साइड ग्राम सभा चाई छपरा डियर में आग लग गई, जहां 1,000 एकड़ गेहूं खेत में ही जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर बैरिया SDM अशोक चौधरी अन्ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक पहुंची, तब तक सैकड़ों किसान पहुंचकर आग पर काबू पा लिए। मौके पर बैरिया तहसील का लेखपाल राम नारायण सिंह ने किसानों की लिखा पढ़ी की। लेखपाल का कहना है कि हमसे जितना हो सकेगा उतना सहयोग किसानों को मिलेगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मुकेश सिंह की रिपोर्ट। माने बाजा तो बोझ है से आग लागल भाई पोछा ना हटल हद तक लगो सुपर पाल अब कुछ ना हो पाई पूरा दियर गई। मैं यहाँ चाई छपरा के लेखपाल साहब से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि किसान को कितना अपने कलम से लाभ दे रहे हैं, अपना पर्चे बताइए। मैं राम नारायण सिंह लेखपाल से चाई छपरा। मैं किसानों को जितना अपने कलम से जितना अधिक से अधिक होगा अनुदान देने की सहयोग करूँगा। अभी तक यहाँ 2 घंटा से ऊपर हो गया आग लगे हुए, SDM साहब नहीं मौके पर पहुँचे सर्वे करने के लिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? SDM साहब कहीं गए होंगे, हम तो तहसील साहब नायब साहब के यहाँ तिवारी सूचना दिए, कहे कि नायब साहब फोन लगा, बाद में कट गया उनका नायब तहसीलदार का। राम सिंह कृषि विभाग मतलब विकास खंड बैरिया। आप किसान लोगों के जनहित में क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं किसान सबको हमारे कृषि विभाग से जो लाभ मिलेगा उसको हम देने के पूरा पूरा सहयोग करें किसान के लिए। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में आदित्य कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नंद किशोर व्यास बिलाल TRS राज्य नेता के द्वारा 2,000 लोगों को राशन दिया गया। इस दौरान सभा में विनोद यादव, सुरेश मुदिराज व अन्य उपस्थित रहे। वहीं हैदराबाद राजधानी TRS पार्टी नेताओं ने पूसला बस्ती में चावल, दाल, खाने की वस्तुएं सभी लोगों को वितरित की। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए गोवर्धन उपाध्याय की रिपोर्ट। बराबर है जौनपुर के विकासखंड स्वीति कला के ग्राम सभा मदारीपुर भेला के ग्रामीण बस्ती के सरकारी नालों की साफ सफाई के लिए कई बार ग्राम प्रधान अजय कुमार से सफाई कर्मी राजेश कुमार द्वारा साफ सफाई न करने की शिकायत की गई, लेकिन प्रधान ने कहा कि सफाई कर्मी नालों की सफाई करने के लिए नहीं बने हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लिखित रूप में शिकायत किया, लेकिन जांच केवल ब्लॉक के अधिकारियों को ही बार बार सौंपी जाती है। बार बार शिकायत के बावजूद ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा जाँच केवल कागजों पर ही कर ली जाती है। जिस अधिकारी को जाँच मिलती है वह गाँव में आते ही नहीं और कार्यालय से ही रिपोर्ट लगा दी जाती है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रधान सफाई कर्मी को सफाई करने से बचाकर उससे पैसे ऐंठता है। ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा सही और निष्पक्ष जांच न करने और फर्जी रिपोर्ट लगाने के पीछे गांव के व्यक्तियों का आरोप है कि प्रधान और ब्लॉक के
अधिकारियों की आपस में मिलीभगत है, जिससे वे प्रधान और सफाई कर्मी पर कार्यवाही करने में आनाकानी कर रहे हैं। गांव के लोगों ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है कि जिन अधिकारियों पर प्रधान से मिलीभगत और भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, उन्हीं को बार बार जांच क्यों सौंपी जा रही है। गांव वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाकर शिकायत करने के लिए कमर कस ली। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए KD विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।